हानियाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम डाइट स्पेशल चिकन सैलेड रेसिपी बनाएंगे। ये लीन प्रोटीन रेसिपी है, हाई इन प्रोटीन्स एंड लो इन कार्ब्स या फिर नो कार्ब्स। ये रेसिपी फैट लॉस में आपको मदद करेगी। चिकन सैलेड के इंग्रेडिएंट्स हैं 120 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट। आप सिर्फ ब्रेस्ट पार्ट ही लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर फैट नहीं होता। 120 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट में 20 ग्राम्स पानी रहता है और 100 ग्राम्स प्योर चिकन होता है। 100 ग्राम्स चिकन में 20 टू 25 ग्राम्स प्रोटीन होता है और कार्ब्स नहीं होता। 100 ग्राम्स कैप्सिकम जुलियन स्टाइल में काट लीजिए। 100 ग्राम्स गाजर या कैरेट, इसको भी जुलियन स्टाइल में काट लीजिए। 100 ग्राम्स लेटस लीव्स या सैलेड लीव्स आप बोलेंगे तो वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। 1 मीडियम अनियन, इसको भी जुलियन स्टाइल में काट लीजिए। बेबीकॉर्न्स मैंने लिया है, आप चाहिए तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे कैबेज है या फिर टमाटर है। टमाटर में उसकी सीड्स निकाल दीजिएगा। 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स है, ये भी ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डाल दीजिए। मैंने 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लिया है। हम रेगुलर ऑयल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जो हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है। 1 टीस्पून लेमन जूस, नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले हम चिकन में स्लिट बना लेंगे। इस तरह आप नाइफ से इसको स्लिट कर लीजिए, चिकन को अच्छे डीप स्लिट्स लीजिएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे चिकन को, ताकि मसाला एकदम अच्छे से चिकन के अंदर चला जाए। अगर आपको हमारी ये हेल्थ रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। अब हम ये चिकन ब्रेस्ट में ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, नमक। अब आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि मसाला एकदम अच्छे से अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ग्रिल करेंगे। मैंने ग्रिल पैन को अब गैस पे रख दिया है। गैस को आप स्लो आंच पे रखिएगा, इसमें ऑयल मत डालिएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। अब ये चिकन ब्रेस्ट पीस को आप इस पर कर दीजिए। ये अंदर से बहुत जूसी होता है। जब एक तरफ से ये ग्रिल हो जाए तब हम इसे दूसरी तरफ से करेंगे। आप चाहिए तो इसे ओवन में भी कर सकते हैं ग्रिल। देखिए हमारा चिकन एक तरफ से अच्छे से हो गया है। अब इसे पलट देंगे, अच्छा सा ग्रिल मार्क्स आ गए हैं इससे। आप चाहिए तो इसे और थोड़ा सा ब्राउन कर सकते हैं। अगर आपको सब्जियां नहीं खानी तो आप सिर्फ ये चिकन पीसेस को भी कट करके आप इसे खा सकते हैं। चिकन को ज़्यादा ओवर कुक नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत स्टिफ हो जाएगा। इसे आप है ना नाइफ से इस तरह बीचों बीच में आप चेक कर लीजिएगा। अब नाइफ अगर ईजिली आपके अंदर जा रही है इसका मतलब आपका चिकन कुक हो गया है। ये देखिए आराम से नाइफ जा रही है, अंदर से एकदम जूसी हुआ है चिकन को। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा पकने के लिए क्योंकि बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी पक जाता है बोनलेस चिकन। अब आप गैस बंद कर दीजिए और इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। चिकन को हमने प्लेट में ले लिया है। अब आप इसे पतले पतले स्ट्रिप्स में लंबा लंबा काट लीजिए। देखिए मैंने चिकन को इस तरह लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब हम इसको वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करेंगे। मैंने चिकन को बोल में ले लिया है। अब हम ये सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल देंगे। प्याज, बेबी कॉर्न्स, मिक्स्ड कैप्सिकम, लेटस लीव्स, कैरेट। ये सारे वेजिटेबल्स के अलावा आप इसके अंदर ककड़ी, टमाटर और कैबेज डाल सकते हैं क्योंकि ये सारे वेजिटेबल्स लो इन कैलोरीज होते हैं। अब इसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और नींबू स्क्वीज करेंगे
अब इसमें नमक नहीं डालिएगा, सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहिए तो इसके अंदर मिक्स्ड हर्ब्स, थाइम्स या फिर ओरिगैनो भी डाल सकते हैं। हमारी डाइट स्पेशल चिकन सैलेड रेसिपी रेडी है। ये लीन प्रोटीन रेसिपी है, ये आपको फैट लॉस में हेल्प करेगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।